कक्षा 10 क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक है, हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है, पूछा गया भी है। कह रहे यदि 65 और 117 के HCF को, इन दोनों के HCF को इस रूप में अगर लिख सकते हैं तो बताओ M का मान क्या होगा। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, एक नंबर में या फिर दो नंबर में, ठीक। सो देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कह रहे हैं इसके और इसके HCF को इस रूप में लिख सकते हैं, तो पहले इन दोनों का HCF निकालो, ठीक है। आप एच मेथड कोई सा भी लगा सकते हो, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, पर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। 65 देखो, 65 को काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, फिर ले लो 117, किससे कटेगा, 3 से, 7 2 9, 3 3 9 3 9 27, 13 3 39, 3 1 3। सो देखो 65 को मैंने लिख दिया किस रूप में, 5 × 13 × 1। 117 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 13 × 3 × 1। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में आता है, एक को नहीं लिखते अगर कुछ आ चुका है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 13 × 1, तो HCF कितना है हमारे पास, 13 है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो भी HCF है 13 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्या लिखोगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास कि जो HCF है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। 65 ये HCF है ना, ये HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और वो किसके बराबर है, 13 के। तो ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, 130। ये 65 × 13 इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में 65 × 2 क्या हो जाएगा, 130। तो M का मान कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन पे आ जाओ तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, और सॉरी तीसरा, सी, आंसर नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट। आया समझ में, ऐसे एक क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी कि हमें क्या निकालना होता है, HCF, और छोटी से छोटी बोलता है तो LCM। हमेशा याद रखना, बड़ी से बड़ी मतलब ये देखो बड़ी बोलती है ना, तो हमें निकालना है HCF। अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों संख्या को जब करते हैं तो शेषफल हमें क्या देता है, 5, और ये हमें क्या देता है, 8। तो क्या करना है, प्रश्नानुसार पहली वाली संख्या में से कितना माइनस करना है, 5, तो कितना आ जाएगा, 65, और दूसरी वाली संख्या में से कितना माइनस करना है हमें, 8, तो कितना आ जाएगा, 117। अब 65 और 117 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है, अतः HCF हमें निकालना है 65 और 117 का, जो कि जस्ट अभी आपने निकाला था ना, कितना निकाला था, 13, 65 और 117। इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया तो ऑप्शन नंबर हमारा कैसे हो जाएगा, ए, 13। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। NCERT मैंने पहले ही पूरी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।